हेलो फ्रेंड्स, आई अगेन वेलकम यू ऑल इन अवर टुडेज न्यू सेशन वेयर वी आर गोइंग टू कवर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सीड साइंस विच वी हैव कवर्ड अंडर सीड साइंस सेक्शन. द टॉपिक इज रिलेटेड टू मिनिमम सीड स्टैंडर्ड्स वेयर वी विल सी द जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स. तो दोस्तों, टॉपिक को कवर करने से पहले हम लोग देखते हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्शन से क्या क्वेश्चन पूछा था IBPS ने. तो दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है जो कि है, What is the minimum seed standard germination percentage of wheat crop? Friends, this question was asked by IBPS in Agriculture Field Officer 2019-20 mains exam. Friends, आपके सामने जो options हैं वो हैं 85%, 70%, 75%, 90% and 95%. तो दोस्तों, इसमें से जो correct answer है वो है 85%. तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका explanation और बाकी जो वीट के अलावा जो बाकी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं उनका जर्मिनेशन परसेंटेज क्या क्या है, हम वो भी देखेंगे. फ्रेंड्स, आप हमारे कोर्स में विजिट कर सकते हैं. हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, agriguru.in. वहाँ पर सीड साइंस के सेक्शन में मिनिमम सीड स्टैंडर्ड्स में हमने ना सिर्फ जर्मिनेशन परसेंटेज जबकि फिजिकल प्योरिटी परसेंटेज और मॉइस्चर परसेंटेज वेरियस क्रॉप्स का टेबुलर फॉर्म में प्रोवाइड किया गया है. तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे. दोस्तों यहाँ पर जो पर्टिकुलर टेबुलर फॉर्म में प्रोवाइड किया गया है इन्फॉर्मेशन, उसमें मिनिमम सीड स्टैंडर्ड्स में वी कैन सी द लिस्ट ऑफ वेरियस क्रॉप्स एंड दियर जर्मिनेशन परसेंटेज. एज द क्वेश्चन वॉज आस्क्ड फ्रॉम द जर्मिनेशन परसेंटेज, सो वी हैव ट्राइड टू प्रोवाइड अबाउट ओनली द जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ वेरियस क्रॉप्स. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले हम लोग लिस्ट ऑफ क्रॉप्स पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम उनका जर्मिनेशन परसेंटेज देखेंगे जो कि मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज रिक्वायर्ड होता है सीड सर्टिफिकेशन के केस में. फ्रेंड्स, इन केस ऑफ क्रॉप्स, इफ आई से अबाउट द सीरियल्स एंड मिलेट्स, इन केस ऑफ पैडी क्रॉप द मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज विच इज रिक्वायर्ड इज 80%. इन केस ऑफ पर्ल मिलेट विद फॉर हाइब्रिड एज वेल एज वेराइटी, 75% इज द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर द जर्मिनेशन परसेंटेज. इफ आई से अबाउट द फिंगर मिलेट और रागी क्रॉप, द मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज वुड बी 75%. इफ आई से अबाउट द सॉर्गम क्रॉप, इन केस ऑफ हाइब्रिड एज वेल एज वेराइटी, it is 75%. In case of maize inbreds, it is 80%. In case of maize other varieties, it is 90%. In case of barley crop, the minimum germination percentage is 85%. In case of oats, it is also 85%. In case of wheat crop, this question was asked in IBPS Agriculture Field Officer 2019-20 mains examination, whose answer was 85%. In case of pulses, if I say about the red gram for hybrid as well as varieties, it is minimum germination percentage is 75%. In case of black gram, it is 75%. In case of green gram, it is 75%. In case of Bengal gram, it is 85%. In case of horse gram, it is 80%. In case of peas, it is 75%. In case of French bean, the minimum germination percentage is 75%. In case of field bean, it is 75%. In case of oil seeds, if I say about the groundnut, it is 70%. In case of sunflower, for hybrid as well as varieties, it is 70%. In case of sesame, the minimum germination percentage is 80%. In case of castor crop, it is 70%. In case of soybean, it is 70%. If I say about the fiber crops, in fiber crops, for hybrid cotton, it is 65%. In case of cotton, which is variety, for variety, it is 65%. In case of vegetable crops, for ash gourd, it is 60%. In case of bitter gourd, in case of hybrid as well as variety, it is 60%. In case of bottle gourd, the minimum germination percentage is 60%. In case of ridge gourd, for hybrid as well as varieties, it is 60%. In case of snake gourd, it is 60%. In case of watermelon, for hybrid as well as varieties, it is 60%. In case of cucumber crop, in case of hybrid as well as varieties, it is 60%. In case of pumpkin, for hybrid as well as varieties, it is 60%. In case of fruits and vegetables, if I say about the brinjal, hybrid as well as varieties, it is 70%. In case of chilies, it is 60%. In case of okra, it is 65%. In case of tomato, hybrid as well as variety, it is 70%. In case of greens,
it is 70%. If I say about the coal crops, in coal crops for cabbage, it is 70%. In case of cauliflower, the minimum germination percentage is 65%. In case of nol khol, it is 70%. If I say about the bulb crops, in case of bulb crops for onion, hybrid as well as varieties, it is 70%. If I say about the root crops, in root crops for carrot, hybrid as well as varieties, it is 60%. In case of beetroot, it is 60%. In case of radish, hybrid as well as varieties, the minimum germination percentage is 70%. In case of turnip, for hybrid as well as varieties, it is 70%. If I say about the cluster bean, the minimum germination percentage is 70%. If I say about the forage crops, for sun hemp, it is 80%. In case of dhencha, it is 70%. For lucerne, it is 80%. In case of miscellaneous crops, for palak, it is 60%. For spinach, it is 70%. If I say about the papaya, it is 60%. For moringa, it is 70%. If I say about the coriander, the minimum germination percentage is 65%. So friends, with this, we have covered one of the most important topic under seed science, which was related to minimum seed standards, and we have seen the germination percentage of the various crops. So friends, see you tomorrow with a new topic, with a new question. Wish you all the best for your examinations. Thank you.